में सरकार किशोरियों, मासूमों एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाहे लाख दावे करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन वैसी दरिंदे घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाएं, किशोरियां और मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आज के युग में गैरों से नहीं अपनों से ही गिला है। अपने ही सारे रिश्ते को तार तार करते हुए मासूम बच्चियों, किशोरियों के साथ बलात्कार के बाद मौत जैसी घटना को अंजाम दे डालते हैं, जिसके चलते दूर के रिश्ते में लगने वाले कलयुगी मामा ने एक कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्ष की मासूम बच्चे को घर से बाहर खेलते समय उठाकर गांव से 500 मीटर दूरी पर खड़े बबूल के जंगल में ले जाकर उसके साथ पहले तो बलात्कार किया और उसके बाद उसके गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बच्चे के माता पिता बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। सुबह शोष क्रिया करने गई महिलाओं ने बच्चे का शव जंगल में पड़ा देखा तो उसकी सूचना घर वालों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना दनाहार क्षेत्र के ग्राम मलहटोली का है। इस गांव के रहने वाले भगवान दास की 8 वर्षीय मासूम बच्ची सोनी घर के बाहर गली में खेल रही थी, तभी थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम नगरिया निवासी मनोज कुमार, जो राजमिस्त्री का काम करता है और वह गांव के ही प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री बनाने का काम कर रहा था, जो मृतक सोनी का दूर के रिश्तेदार में मामा लगता है, उसे 2 बजे के लगभग उठाकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पीछे खड़े बबूल की झाड़ियों वाले जंगल में ले गया, जहां उसके मामा ने उसके साथ रेप जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौका पाकर वहां से फरार हो गया। देर शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो पीड़ित भगवान दास ने सोचा कि वह मेरे छोटे यानी अपने मौसा के घर गई हुई है। तब पीड़ित ने अपनी पुत्री की तलाश वहां की तो उन्होंने देखा कि वहां पे नहीं है और वहां से इनकार कर दिया। उसके बाद मासूम बच्ची की तलाश जारी की गई, जिसके बाद से मासूम बच्चियों का शव सुबह जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला, जहां से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जैसे कि घटना हुई है बच्ची के साथ, क्या है पूरा मामला? तो क्या बताया, मामला तो ये जो सब देख रहे हैं। नहीं, बताया जाता है कि बच्ची पहले से गायब थी। पहले से गायब थी, मतलब 10 बजे तक तो बाबा ने, पिताजी ने हमारे देखा खेत पे जाते हुए। अच्छा, थे नहीं उस टाइम, ये साथ में था उसके। अच्छा, तो जब घटना जब देखी, अब पूरी रात को मैंने ट्राई करी, ठीक है, ठीक, सब लोगों को जनसर की मतलब लड़की मिल जाए, नहीं मिली। सवेरे अब 10 बजे तब लड़की को मोटरसाइकिल मांगी मैंने, चलो दूसरे गांव में पता करेगी, ठीक है। तब तक तो मतलब औरतों ने बताया कि आप ऐसे से यहाँ मिली। अच्छा, बच्ची किस अवस्था में मिली है? अवस्था में तो ऐसी है, व्रत की। अच्छा, आपने पुलिस को तहरीर भी दी है क्या? किसी पे शक है आपको? हाँ, शक है उसी पे, एक लड़का आया मनोज, उसी पे वो मैंने देखा एकदम भागते हुए। अच्छा, और मैंने इतनी बड़े गौर नहीं की, कर किया तो मतलब ये लड़का ये कांड कर गया। नहीं, मनोज क्या गांव का ही निवासी है? नहीं नहीं, दूसरे गांव का है। किस गांव का रहने वाला है? नगला मोरिया। आप किस गांव के हैं? मैं टोली का। थाना धन्नार। क्या मामला है यहाँ बच्ची का? एक सब मिला है, पूरा मामला बताएं। अब वो कल से शाम करीब 4 बजे से लड़की में लापता थी, तो उन्होंने घर वालों ने सोचा शायद कहीं खेल रही हो, खेलती रहती थी रोजाना, तो इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारी लड़की, रात को इनको जब हुआ कि लड़की वापस नहीं आई खेल के, तो इन्होंने कहा लड़की हमारी नहीं है, तो रात को ये रात भर सारी रात ढूंढते रहे, और ढूंढने के बाद सुबह जब लड़की नहीं मिली है तो बिगरेई वगैरह 4 गांव में इधर भी ढूंढा, तब यहाँ कोई शौचालय के लिए शौच के लिए कोई औरतें आई, उन्होंने देखा इसको यहाँ पड़ा हुआ, तब ये यहाँ पड़ी हुई थी, मृत अवस्था में यहाँ मिली है। किस पे आरोप है? एक मनोज करके शक है उस पर इन लोगों को, कहाँ शायद वो मनोज का ही, इसमें उसकी हत्या में हाथ हो सकता है। वो यहाँ ग्रामवासी है कहीं? ग्रामवासी नहीं है वो, रहने वाला तो वो उसका नगरा मोहरिया का है जी। यहाँ राजमिस्त्री का काम करता था स्कूल में, स्कूल प्राथमिक बाउंड्री, हाँ बाउंड्री हो रही उसमें काम कर रहा था वो मनोज के साथ। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर, ये बताओ ये बच्ची कितने साल की थी और कब से गायब थी? 8 साल की बच्ची थी ये, और ये 2 बजे से 1-1.5 बजे से मतलब गायब थी। कल से फिर आज कहाँ मिली है? आज मरी हुई अवस्था मिली है हमारे गांव से लगभग 500
मीटर दूरी पे मिली है। कहाँ पे मिली, कहाँ पे? वन में। वन में मिली। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या हुआ इसके साथ? हमारे समझते रे भाई है सर। अच्छा, कौन कौन ले गया था, क्या कुछ पता चल पाया? इसका मामा था, लड़की का मामा था। अच्छा, तो FIR दर्ज करा दी है क्या? बिल्कुल सर। क्या गिरफ्तारी हो पाई अभी तक किसी? गिरफ्तारी हो गई सर। अच्छा, FIR दर्ज करा दी है। दर्ज करा दी, गिरफ्तारी हो गई है। बच्ची का सब मिला है, पूरा मामला क्या है? ये थाना दन्नाहार के गांव महटौली का प्रकरण है, इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस मौके पर आई तो देखा कि एक करीब 10 साल की बच्ची का मृत शरीर बबूल की झाड़ियों के बीच में पड़ा मिला है। उस पर हमारी पुलिस फोर्स पहुंची है, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें उन्होंने एक दूर के रिश्तेदार युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी है। उस पर मुकदमा अभी तत्काल दर्ज किया जाएगा और जो नामित व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम पहले से ही रवाना कर दी गई है। बाकी बच्ची का पोस्टमार्टम वैज्ञानिक ढंग से पैनल के द्वारा कराया जा रहा है, ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य जो बच्ची के शरीर पर हैं वो भी कलेक्ट किए जा सकें। और इधर हमारी फील्ड यूनिट भी साक्ष्य संकलित कर रही है। इन सब की मदद से गुणवत्तापूर्ण विवेचना करके जो भी अपराधी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.